आज मैं लेकर आई हूँ अष्टमी नवमी पर बनने वाले भोग वाले काले चने की रेसिपी। इस तरीके से बनाएंगे ना तो एक एक चने पर मसाले बिल्कुल बढ़िया लिपटे हुए रहेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चने को भिगो लेते हैं। एक बोल में 1 कप काला चना ले लेंगे। अब इसमें 2 कप पानी डालकर इसे पानी में सोख कर लेंगे। लगभग मैंने यहाँ इसमें आधा लीटर पानी ऐड किया है। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से क्या होगा, जो नमक है ना वो चनों के अंदर तक चला जाएगा और जो चने की स्किन है वो थोड़ी पतली हो जाएगी। बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड करिएगा कि जो चने हैं बिल्कुल नमकीन हो जाएं। आधा लीटर पानी के हिसाब से इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करना है। अब इसे हम रात भर के लिए या 8 से 10 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। सो काले चने अच्छे से फूल गए हैं। अब इसका सारा पानी छान लेना है। अब इस चने को कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें स्वाद अनुसार या 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1 कप चने के हिसाब से इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब पहली सीटी हाई फ्लेम पर, पहली सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर 3 सीटी आने तक पका लेंगे। पूरा प्रेशर निकलने के बाद ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए चने बिल्कुल बढ़िया से पक गए हैं। अब इससे फटाफट से भोग वाले चने बना लेते हैं। अब मसालों का एक मिक्सचर बना लेते हैं। एक बोल में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच चना मसाला ऐड करेंगे। चना मसाले की वजह से चने का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे जो मसाले हैं ना वो अच्छे से फूल जाएंगे और कढ़ाई में डालने के बाद ये बहुत जल्दी पक जाएंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच घी ले लेंगे। घी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। जब घी गर्म हो जाएगा तब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। इसके साथ ही में चुटकी भर हींग डाल देंगे। अब इसमें जो हमने मसालों का पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। ये जो मसालों का मिक्सचर है ये थोड़ा ड्राई है, मसाले जले ना, इसके लिए हम इसमें जिस बोल में हमने मसालों का मिक्स किया था उसमें थोड़ा सा पानी खंगाल कर इसमें डाल देंगे और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक ये जो मसाले हैं ना ये घी को रिलीज ना कर दें। बहुत जल्दी पक जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इन्हें पकने में। मसालों ने घी को रिलीज़ कर दिया है, सारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। जब आप इन्हें चलाएंगे ना तो आपके स्पैचुला पे ये मसाले इस तरीके से स्टिक हो जाएंगे। अब इसमें हम उबले हुए चने डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें 4 से 5 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर मसालों के साथ पकने देंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ऐड करिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। इन्हें चनों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ ही मैं इसमें 1/2 चम्मच काला नमक ऐड कर देंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे और अब इसे तब तक पकाएंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि जो मिक्सचर है थोड़ा ड्राई ना हो जाए। बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा। सो हमारे चने बिल्कुल बढ़िया पक कर रेडी हो गए हैं और मैं इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ा है अभी, क्योंकि जब ये हल्के ठंडे होते हैं तो ये थोड़ा पानी सोख कर लेते हैं। इस समय गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें अदरक के लच्छे ऐड करेंगे। इसके साथ ही मैं लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप चाहे तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं और गैस को बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए इसके लिए फटाफट से एक तड़का बना लेते हैं। तड़का पैन में 3 चम्मच घी ले लेंगे। जब घी हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें चुटकी भर हींग डाल देंगे और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इन्हें फटाफट से मिक्स कर लेंगे और हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। और इन्हें चने के ऊपर डाल देंगे और इन्हें चनों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे अलग से तड़का देने से क्या होता है, जो मसाले हैं वो चनों के ऊपर अच्छे से अलग से स्टिक हो जाते हैं। एक एक दाने पर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा मसालों का। और आप देख सकते हैं रखे रखे चनों ने थोड़ा और पानी सोख कर लिया है। इन्हें हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। लास्ट में इसमें धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और अब गैस को बंद कर देंगे। और इसी के साथ हमारे अष्टमी के चने बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, हलवा पूड़ी के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। इस अष्टमी इस तरह चने बनाकर देखें, ये हर किसी को बहुत पसंद आएंगे। चने बिल्कुल बढ़िया से ड्राई हो गए हैं और इन पर बहुत ही बढ़िया मसालों की कोटिंग हो रखी है। सर्व करने के बाद आप इसे थोड़ा सा धनिया पत्ती के साथ गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।